आज हमारा फुकेट में है सेकेंड डे और हम जा रहे हैं फिफी आइलैंड। सो द थिंग इज कि अभी सुबह के बज रहे 7:30 और हमने कल रात को एक टूर बुक किया था पूरा आइलैंड घुमाने का। करीबन 4 आइलैंड है जो हमें घुमाने वाला है। तो पहले एक कैब आएगी हमें पिक करने के लिए होटल में, फिर यहाँ से हम जाएंगे एक पियर और फिर पियर से हम जाएंगे फिफी आइलैंड। सो लेट्स गो। हम कल रात को करीबन पता है कितने बजे सोए थे? 3 बजे हम लोग सोए हैं और 6 बजे हम उठ गए थे। तो सिर्फ 3 घंटे की नींद हुई है, सिर्फ 3 घंटे की। हेलो, गुड मॉर्निंग। ज़्यादा सामान नहीं लिया हमने साथ में, क्योंकि जितना सामान आप कैरी करोगे उतना सामान आपको खुद को ही भारी पड़ जाएगा। इम्पॉर्टेंट चीज़, सनस्क्रीन लेना मत भूलना, साथ में भी कैरी कर लेना, और सनग्लासेस, सनस्क्रीन और उतना ही सामान जितना ज़रूरी है, ठीक है। तो ये जो मिनी वैन थी इससे हम आए हैं और अभी हम जा रहे हैं पियर की तरफ। ये ब्रेकफास्ट ट्रेन का लगा हुआ जो पैकेज में इंक्लूडेड है। रोजी रोजी इधर देख ले, यहाँ पे सब इकट्ठे हो चुके हैं। ये जो बंदा है पीछे, रुको बता दो, ये जो बंदा है इसका नाम है 72। ये हमारी टीम को बोल रहा है टीम 72। इट्स नॉट अ पीपी, इट्स अ पीपी। यहाँ के लोग पीपी बोलते हैं। गुड मॉर्निंग। ये हमें जाने से पहले इंस्ट्रक्शंस दे रहा है। ऐसे सीरियस होके सुन रही थी, इसके साइड में खड़े होके फिर भी मुझे कुछ नहीं समझा, कुछ भी नहीं। और अपनी टीम का नाम पता है क्या है? 72 की टीम। स्लीपिंग ब्यूटी हैड अ फेस। सर कुछ जादू करके यहाँ सो जा, सो जा। 1 2 3 पहले ही सो गई मैं, तेरे 3 बोलने से भी मैं 3 भी नहीं बोला। सो जा। ये हमारी स्पीड बोट भी आ चुकी है पियर पर। Помните, зеленая полосочка такая, ориентир. Туалет у нас, значит, вот здесь слева будет. जगह पता नहीं कौन सी है, लेकिन कितनी सारी लॉन्ग टेल बोट्स है यहाँ पे। तो अब हम यहाँ पर आए हैं स्विमिंग करने के लिए। स्विमिंग करने के लिए जा रहे हैं, लाइफ जैकेट पहने हुए। एक स्टॉप है यहाँ पे जहाँ पे सबको स्विमिंग करनी है, जिनको स्विमिंग करनी हो जा सके। माया बे स्विमिंग के बाद माया।
ये लाइन देखो कितनी बड़ी है और ये बहुत दूर तक है, बहुत दूर तक। ने दूसरी जो लाइन लगी थी उसे तोड़कर हम नीचे से जा रहे हैं ताकि हम जल्दी पहुंच सके। यहाँ पर टिकट्स मिलती है 400 बात आई थी। खुद से आते हैं तो आपको 400 बात एंट्री फीस देनी पड़ेगी। अगर आप टूर के साथ आते हैं ना, टूर में ही सब कुछ मिल जाएगा। टूर में ब्रेकफास्ट, लंच, तीन पॉइंट्स आई थिंक, फीफी, माया बे और आरके के, उसमें स्विमिंग भी होगी या समथिंग, ऐसा कुछ जो हमने करवाया वैसे ही करवाना। यहाँ से वॉक करने के बाद आई थिंक उस साइड बीच है। वेलकम टू माया बे। ओए होए क्या पानी है, क्या ही खूबसूरत नजारे है यहाँ पे। माय गॉड, थोड़ी और वॉक कर कर अंदर बीच के साइड चलते हैं। सबका वापस आने का टाइम हो गया, सब लोग आ चुके हैं सिवा हमारे साथ कुछ, हमारे जैसे ही हमारे भाई बंधु इंडियंस थे जो अब तक यहाँ पे पहुँचे नहीं है, उनका इंतज़ार किया जा रहा है। बस वो आ जाए तो हम निकले। अरे सर गुड, हम दोनों ने सेम सेम कह दिया क्या? हाँ, फ्लावर दिस चर्च करते हैं, तोड़ना दे हम इस चक्कर में। नहीं, इतनी मेहनत से ये हमें मिला है रास्ते में, मैं क्या बताऊँ। अब हम माया बे से निकल कर पियर के पास जा रहे हैं। थोड़ी देर माया बे पे वक्त बिताकर हम निकल रहे हैं पीपी आइलैंड। पीपी, सॉरी गाइस, उसका नाम भातर नहीं बटर था। हाँ, जो मैंने गलत सुना था। इट्स वेरी बैड, भातर मतलब सोच कहाँ तक जा सकती है। मैं वही सोची, भातर यार हिंदी नाम कैसे रख लिया इसने। और एनीवेज इट्स अ बटर नाउ। सरगुन हम आप कहाँ जा रहे हैं? वी आर रेडी। Get ready guys. अब हमारी स्नॉर्कलिंग हो गई है।
हम यहाँ पे मंकी देखने आए हैं क्योंकि हमने कभी मंकी नहीं देखा। वो आ दिख गया रुक गया। गोरे बहुत खुश हो रहे हैं देखकर इनको। वेरी नाइस मंकी देखो। फाइनली हम कॉफी पी आ गए। यहाँ पे ड्रॉप किया इन लोगों ने हमें। यहाँ पे कितने सारे लोग हैं। अब हम आ गए कॉफी पी। यहाँ पे हमारा लंच होगा और एक घंटा हम यहाँ पे घूमेंगे फिरेंगे फिर हम निकल जाएंगे बोट की तरफ। बटर बताएगा हमें कि खाना कहाँ मिल रहा है। देखो इस तरह से हम पीपी आइलैंड आ चुके हैं। यहाँ पे दुकानें वगैरह स्टोर्स वगैरह सब कुछ दिख रहा है मुझे। तो जिन जिन को लगता है कि पीपी आइलैंड में दुकानें वगैरह नहीं होगी तो यहाँ पे सब कुछ होता है। कोकोनट आइसक्रीम मोर। वाव नाइस। कोकोनट वाटर कोकोनट आइसक्रीम जो हम लिए। हमारा खाने का अड्डा आ गया। लंच हो गया हमारा। सबको एक साथ बुफे होता है यहाँ पे। अगर आप टूर बुक करते हो साथ में तो लंच भी उनकी तरफ से ही होता है। बंदर के साथ कितना उनको बंदर की बड़ी है। पीपी पे एक्चुअली रेस्टोरेंट खाने पीने की चीज़ें और शॉपिंग की भी चीज़ें मिल जाती है। अब हम जा रहे हैं फिर से बोट पे और वहाँ से और के कोई एक पॉइंट है जो हमें करना है। आज का हमारा पैकअप होता है ये आखिरी पॉइंट था और बहुत खूबसूरत पॉइंट था और पूरे बाल ख़राब हो चुके हैं। खैर तभी हम जा रहे बोट की तरफ और बोट से सीधे जाएंगे फुकेट और फुकेट से होटल या फिर बाहर भी कहीं जा सकते हैं। अभी प्लान फिक्स नहीं है तो मैं आपको अपडेट देती हूँ पर ये नज़ारे देखने लायक है। ठीक है जन्नत से कम नहीं है। हम वापस आ चुके हैं फुकेट में और होटल जाएंगे और थोड़ा फ्रेश अप हो जाएंगे और फिर देखते हैं क्या सीन है आज के। आपकी ट्रिप कैसी थी मैम? मेरी तो ट्रिप बहुत ही अच्छी रही। मैंने बहुत मज़ा किया और बहुत सारे काले भी हो गए लेकिन बहुत सारा मज़ा आया इसलिए सब गए। हम लोगों को चार मिल गया चार।